आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं ऑनलाइन, वो भी अपने मोबाइल से। ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, कहीं भी नौकरी के लिए आप रेलवे में या बैंक में कहीं भी, तो वहाँ पे आपको सेंट्रल या स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो किस तरह ओबीसी सर्टिफिकेट बनाएंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल से, आज की इस वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने हरियाणा स्टेट के लिए बनाया है, और अगर आप दूसरे स्टेट के लिए फिर भी ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो भी देखिए, क्योंकि एक अनुमान आपको लग जाएगा किस तरह आप बना पाएंगे। आपका भी स्टेट का अगर ये सर्विस लाइव आता है तो हम उसके बारे में बताएंगे। ये हरियाणा वाले के लिए है, लेकिन आप हरियाणा के नहीं हैं तो फिर भी देखिए, ताकि आपको अनुमान और अंदाज़ा लग जाए और जानकारी मिल जाए किस तरह ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, किस तरह बनता है हरियाणा स्टेट में वो आपको बताते हैं। और आप किस स्टेट से हैं, आपको भी अगर इस ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में वीडियो चाहिए तो आप अपना स्टेट का नाम लिख कमेंट कीजिए, और एक वीडियो चाहिए इस टाइप का एक कमेंट कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं, एक नई जानकारी आपको हम साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना ही भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कस्टम बॉक्स में मैंने इस ऐप का लिंक दे दिया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी उमंग सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोगों देख लीजिए, यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मैं डाउनलोड करने के बाद ओपन भी कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऑल सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विस, जो भी यहाँ पर सर्विस आपको मिलेंगे वो सारा सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं देना होगा। इस पर सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है, इस पर रजिस्टर होना है। उसके लिए ऊपर में आपको थ्री लाइन मिल रहा है, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना होगा, उस मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद OTP देके अपना नाम, ईमेल एड्रेस देके अकाउंट बना लीजिए। मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बनाया हुआ, तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो चलिए यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह लॉगिन पे आएंगे, यहाँ पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, या MPIN से यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं। MPIN आपको OTP मैसेज में आया होगा, या आप OTP के साथ लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं OTP के साथ लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे OTP हमारे मोबाइल पे आ चुका, जो भी ऑटोमेटिक ले चुका, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लॉगिन इन सक्सेसफुली, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए होम पे आ गए। यहाँ पे होम पे सर्विस, बहुत सारे सर्विस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटी भी, बहुत सारे सर्विस भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे सर्विस जो भी बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। सो यहाँ पे देख लीजिए सारा सर्विस। यहाँ पे ऑल सर्विस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑल सर्विस क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ऑल सर्विस, उसके बाद यहाँ सेंट्रल लेवल सर्विस, यहाँ पे स्टेट लेवल सर्विस। ठीक है, स्टेट लेवल सर्विस पे जो रजिस्टर करते वक्त जो आप स्टेट चुने थे वही सर्विस आएगा। तो चलिए मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको ये एक सर्विस, ये वाला आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, ये लोगो देख लीजिए, ये हरियाणा का लोगो। अगर हरियाणा से इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश से, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप गुजरात से हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश वाला इस पर आपको क्लिक कर, सब लोगों देख लीजिए आप। ठीक है, तो उसके बाद मैं हरियाणा के बारे में बताने वाला हूँ, तो ये हरियाणा का है, इस पर क्लिक करेंगे ये वाला। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको इस पर भी, हरियाणा की इस वेबसाइट जो है, इस पर आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं या फ़ोटो खींच भी सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। जो भी फ़ोटो आपका हो, जो सर्टिफिकेट पे आएगा वही फ़ोटो आपको देना है। सर्टिफिकेट पे फ़ोटो वो आएगा जो फ़ोटो आप यहाँ पे देंगे।
तो अच्छा फ़ोटो दीजिए जो भी आपका सर्टिफिकेट पे आए, जिसकी केवी 50 KB से कम होनी चाहिए। तो चलिए मैं फ़ोटो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं ये फ़ोटो को यहाँ पे इंटर सेलेक्ट, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, फादर्स का नाम देंगे यहाँ पे मदर्स का नेम। उसके बाद यहाँ मैटर स्टेटस में देना, अगर आपका अनमैरिड है तो नॉट मैरिड देंगे, अगर आप जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, विंडो है तो विंडो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल वो सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे। उसके जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो एज भी यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको रूरल अर्बन किस एरिया से आप हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लीजिए अगर हरियाणा के आप हैं तो। तो उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप हाउस नंबर वगैरह दे दीजिए, पिन कोड यहाँ पे लिखिए जहाँ पे पिन मांग रहा है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट करेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस अबाउट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बॉक्स जो है। उसके बाद यहाँ आपका ईमेल एड्रेस रहेगा, अगर उसके बाद राशन कार्ड नंबर मांगेगा, अगर राशन कार्ड नंबर है तो दे भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं इसको खाली। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आप APL हैं या BPL है, जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर यहाँ पे अगर है तो दे सकते, नहीं तो खाली छोड़ सकते। उसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर मिलेगा, उसके बाद चलिए आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने में यहाँ कंफर्म करने के बोला जाएगा, कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, देख पा रहे हैं जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग लेगा, या आपकी नेटवर्क जितनी फास्ट होगी उतनी जल्द ये रिजल्ट आपको देगा। हमारा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो देखिए ये इस तरह का एक इरोर आ गया, तो फिर से सबमिट करेंगे तो ये इरोर ख़त्म हो जाएगा और आपको वहाँ पे सक्सेसफुली दिखा देगा और आपको वहाँ सिटीजन ID नंबर भी आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, सबमिट कर लीजिए। मेरा देखिए मैंने सबमिट कर चुका हूँ, यहाँ पे हो चुका मेरा, मुझे सिटीजन ID वगैरह सारा चीज़ मिल चुका। अब जो अप्लाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो लोड ले लेगा, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो अप्लाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे ये लोड नहीं लेगा। उसके बाद आपका नाम, सिटीजन ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या क्या बना सकते हैं, BC सर्टिफिकेट, EWC इनकम, रेसिडेंट, बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट है आप बना सकते हैं, रूरल एरिया सर्टिफिकेट। तो चलिए मैं OBC सर्टिफिकेट बनाने के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो OBC सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, देख लीजिए OBC सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ तो आपका जो डिटेल था रजिस्ट्रेशन करते वो आपको कुछ फिलअप मिलेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देख लीजिए OBC कैटेगरी में OBC सर्टिफिकेट आपको दिखने को मिल रहा है, ये आप देख पा रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट मिल जाएगा, जिस भी कास्ट से आप उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कास्ट, अगर आप इस कास्ट के हैं तो आप OBC सर्टिफिकेट बना के और लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे कास्ट है, आप देख लीजिएगा, अगर मैं सारा कास्ट का नाम बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको थोड़ी से दिखा भी देता हूँ। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ फिर से, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे कास्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नीचे में देख पा रहे हैं, सर्टिफिकेट फॉर्मेट अब क्या बनाना चाहते, सेंट्रल से बनाना चाहते या स्टेट से बनाना चाहते। सेंट्रल से बनाना चाहते सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे, अगर स्टेट से बनाना चाहते हैं तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आ जाइए अप्लीकेंट कैटेगरी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं तो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करेंगे, तो नन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपके साथ आपके द्वारा भरे की बहुत सारी जानकारी आ चुकी है यहाँ अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आपको इसको चेक कर लेना होगा। ठीक है, तो मैं इसको डाउन करके यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा सारा चीज़ भरा है। तो अब यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, उसके लिए कंफर्म पे नीचे बटन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म बटन में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह अटैच करने के लिए डॉक्यूमेंट बोलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, अगर सर्टिफिकेट यस कीजिए तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे
एड्रेस प्रूफ पे क्लिक जैसे ही करेंगे, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड दे सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे हम इंटर करेंगे। आधार कार्ड का नंबर इंटर कर यहाँ पे आप आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, जो भी 200 KB में होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो चूज फाइल था उस पर क्लिक करके यहाँ से हम आधार कार्ड को अटैच कर लेते हैं। देखिए मेरा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह आप आइडेंटिटी प्रूफ को भी अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप यहाँ पे राशन कार्ड, पासवर्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो उसी तरह आधार नंबर यहाँ पे देंगे और चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपलोड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ अदर डॉक्यूमेंट भी कोई अपलोड कर सकते हैं अगर करना चाहे। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें आपको टिक मार का लगा देना होगा, टिक मार का लगा देना। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, तो आपका जी ये बन जाएगा। ये बनने में टोटल समय आपको 14 से 15 दिन लगेगा, क्योंकि मैं सबमिट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन करके बताना चाहता हूँ। ये सेंटर का मैंने बता दिया। तो चलिए अब स्टेट का किस तरह करेंगे, फिर बैक आ जाएंगे यहाँ पे। ओबीसी सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अब हम आपको अब स्टेट के बारे में बता रहे हैं, सेंट्रल के मैंने बता दिया। उसी तरह आपको जितने सिर्फ आपको एक चेंज करना है, यहाँ पे सेंट्रल को आपको स्टेट चेंज कर देना है। उसके बाद जो सारा प्रक्रिया होगा, सारा प्रक्रिया सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म आप कर लीजिए। स्टेट सेंट्रल में अप्लाई करते हुए कोई भी आपको चेंज कर प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ आपको कैटेगरी चेंज करना होता, फॉर्मेट कैटेगरी, और डॉक्यूमेंट आपको उसी तरह अपलोड करना होगा। इसी तरह अपलोड करके आप बना सकते। इसमें आपको 14 से 15 दिन समय लगेगा और इसको आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करने के बाद किस तरह ट्रैक कर पाएंगे, किस तरह जाँच कर पाएंगे वो बताते। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। ये देखिए मैं बैक आ चुका हूँ होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको नीचे मिल रहा है चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगी। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जैसे आप सबमिट करेंगे, वहाँ पे आपको रिसिप्ट मिलेगी जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी, सरल आईडी रहेगा। तो वो सरल आईडी या ट्रांजेक्शन आईडी से आप यहाँ पे जांच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड आपको नीचे मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन आईडी या सरल आईडी इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। जब आपका बन जाएगा तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप किस स्टेट से, आपको किस स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में वीडियो चाहिए ऑनलाइन के लिए, तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो झारखंड के सॉरी हरियाणा के हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो बहुत पसंद आया, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।